हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन फ्लोरा। दोस्तों, हमारे बगीचे में इस समय एक अनोखे से फूल खिले हुए हैं। देखो दोस्तों, ये लंबा सा ऊंचा पौधा जा रहा है, लगभग 10 फीट तक ऊंचाई का हो गया है। ये पौधा मैंने बहुत पता किया और पता चला कि ये पौधा है क्लेरोडेंड्रम इंडिकम का। दोस्तों ये पौधा देखो इस तरीके से काफ़ी ऊंचाई तक जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे, काफ़ी ऊंचाई तक जा रहा था। और कोई इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि नीचे बिल्कुल ये साफ़ है, स्टेम बहुत मजबूत भी तना है। बहुत बार आंधियाँ आई, तूफान आए, लेकिन इस पौधे में ये पौधा झुक जाता है लेकिन टूटने नहीं पाया। दोस्तों बहुत बढ़िया पौधा होता है। मैं इसको यूँ ही नर्सरी से लेकर आया था, हमें पता नहीं था कि इस समय कौन सा पौधा है। और इसकी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत सी थी, तो मैं 20 रुपये का लेके आया था। काफ़ी बढ़िया सा पौधा है। इसमें इस तरीके के फ्लावर्स निकलते हैं जैसे ब्लीडिंग ऑफ हार्ट प्लांट होता है, उस तरीके से इसमें देखो खूबसूरत से फूल निकलते हैं दोस्तों। और इसके कई सारे नाम हैं, जैसे हम देखेंगे भरंगी का पौधा, भारगी का पौधा भी संस्कृत भाषा में इसे बोला जाता है। और इसे ट्यूब फ्लावर के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, टक्स टर्बन ट्यूब फ्लावर, स्काई रॉकेट। शायद ये स्काई रॉकेट नाम दोस्तों इस वजह से पड़ा होगा क्योंकि इसमें इस तरीके से आप देखो दोस्तों, ये यूँ स्काई की तरफ ये जाते हुए झूमर जैसे फूल, जैसे आप देखेंगे सैंडलियर होते हैं, बहुत खूबसूरत से, काफ़ी खूबसूरत से फूल लगते हैं। इसमें लगभग 3 महीने तक ये फ्लावरिंग चलती रहती है, ठंडक तक चलती है अच्छे से। फरवरी में जाकर इसमें फ्लावरिंग रुक जाती है। अभी अक्टूबर चल रहा है, 20 अक्टूबर है, और ये मान के चलिए कि इसकी फ्लावरिंग जो है अक्टूबर की स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है। तो 4-5 महीने तक फ्लावरिंग होती है खूब सारा। ये काफ़ी खूबसूरत से इसमें इस तरीके के फूल, काफ़ी इस तरीके से पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत सी दोस्तों होती हैं। हमने इसके बारे में जब अच्छे से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि इस पौधे का आयुर्वेद में बहुत ही महत्व मिलता है। दोस्तों आयुर्वेद में जो महत्व मिलता है, या हम जो भी आपको इसके औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे, वो सिर्फ़ एक जानकारी मात्र है। आप जो है किसी भी तरीके से इसका प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक की परामर्श ज़रूर लें। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पौधे में सैपोनिन पदार्थ होते हैं। सैपोनिन पदार्थ होने की वजह से ये ओवर रिएक्टिविटी को, हाइपर एक्टिविटी को कम कर देता है। मतलब एलर्जिक रिस्पांस में हमारी बॉडी ओवर रिएक्टिव बहुत ज़्यादा ना होने पाए, उससे बचाने का काम भी दोस्तों ये पौधे को, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। सैपोनिन की उपस्थिति की वजह से ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में भी यूज़ किया जाता है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी को भी बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। कफ, कोल्ड, अस्थमा की बीमारियों में भी इसका आयुर्वेद में इलाज मिलता है दोस्तों। और हमारे शरीर में बहुत सारे जो पोर्स होते हैं त्वचा में, उनको ओपन करने के लिए भी दोस्तों इस पौधे को औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे औषधीय गुणों से भरा हुआ ये पौधा, बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जगह नहीं घेरता है और इतना ऊँचा होने के बावजूद भी तेज़ आंधियों में ये गिरने नहीं पाता है दोस्तों। और इसके जो फ्लावर्स हैं, आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये काफ़ी खूबसूरत से लगते हैं इस तरीके से, और हल्की सी इसमें स्मेल भी है। दोस्तों इसके फ्लावर्स से जब सीड बनते हैं तो उनकी वजह से एक हमारे पास ये दूसरा पौधा भी, इसका बेबी प्लांट तैयार हो गया है, ये देखो दोस्तों। और ये भी बिल्कुल लंबाई में जा रहा है, काफ़ी खूबसूरत सा पौधा है दोस्तों। तो ये जानकारी कैसी लगी क्लेरोडेंड्रम इंडिकम के बारे में? अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों आपके घर अगर ये पौधा नहीं है और आपको आसपास में कहीं पर मिलता है, नर्सरी में मिलता है, तो आप ज़रूर लगाएँ। बहुत ही खूबसूरत पौधा है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।